Al cine fai proprio? Sì. Anzi. जी बहुत स्पेशल है, जब नॉमिनेटेड होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है एंड एक्टर्स इसीलिए काम करते हैं टू गेट अप्रिशिएटेड एंड आज नॉमिनेट हुआ हूँ तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। देयर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव साइंड इज अ मारुति सीक्वल दैट आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग ऑन दैट। देयर आर कपल ऑफ अदर फिल्म्स बट आई थिंक आई कैन ओनली टॉक अबाउट देम व्हेन द प्रोड्यूसर्स मेक द अनाउंसमेंट्स। It's been very good, yaar. We made a good fine film, and we are very proud of it. Our film's nominated, Partho's nominated, I am nominated. So it feels nice ki humne pure saal bhar jo mehnat ki usko recognition mil rahi hai. Alia, Shraddha, Pariniti, everybody. I want to even work with my sister. So bahuton ke saath kaam karna hai. Abhi to char pichre kiye hain. Abhi to bahut lamba safar hai. Thank you. Thank you. मैम वन सेकंड, सब लोग यहाँ खड़े हैं। इवनिंग बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर संध्या का रिलैक्स रॉक्स एंड आई होप हवा हवाई फाइंड्स इट्स बेयरिंग्स हियर। दिस इज द फर्स्ट ऑफ द सीजन, आई होप वी आर कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू। लेडीज फर्स्ट। आज की शाम खास है बिकॉज लाइफ ओके के अवार्ड्स हैं और हम लाइफ ओके का हिस्सा है तो हमारे लिए तो और भी खास है। क्या उम्मीदें रखती है पिछले बार जो हुआ था और इस बार कुछ नया उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का पिछली बार जो हुआ था? पिछली बार पूरी टीम में से सिर्फ मैं ही आई थी और काफी काफी मस्ती की और बहुत सारे लोगों के नॉमिनेशन जो उसी महीने के थे और इस महीने भी उन लोगों को अवार्ड दिया जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ तो वहाँ पे भी रहते हैं पर वो रूप बदल जाते हैं और साथ यहाँ पे भी हैं और यहाँ हम एक लाइफ ओके के परिवार की तरह से हैं। मेरा एसोसिएशन लाइफ ओके के साथ और भी पुराना है क्योंकि जब इसका नाम स्टार वन था तब तक ये री इन्वेंट नहीं हुआ था तो मैं पहले भी इनके साथ में काम कर चुकी हूँ एंड इट इज ऑलवेज प्लेजर टू कम बैक एंड वर्क विद द सेम सेट ऑफ पीपल एंड टूडे वी हैव बीन एबल टू टेक आउट टाइम टूगेदर। आई थिंक पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम सब लोग इकट्ठे आए हैं। आप काफी शान शान से नजर आ रहे हैं तो कोई परफॉर्मेंस वगैरह आप करने वाले हैं इस बार लाइव ओके अवार्ड्स में? नहीं, इन्होंने मुझसे कुछ बोला नहीं परफॉर्म करने को, मैं तो एवर रेडी हूँ, फ्री में भी रेडी हूँ बट अगली बार फरीम को बोलूंगा मुझे भी कुछ परफॉर्मेंस का मौका दिया जाए। क्यों? अच्छा, मानसून है तो मानसून से जुड़ी कोई याद आप जो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, मानसून से बचपन की कोई याद, ऐसी कोई मेमोरी जो मानसून? बचपन ही तो मैं क्या कहूँ, मैं बॉम्बे की मुझे याद आती है, मुझे कुछ तकरीबन 5 साल हुए थे बॉम्बे आए हुए और उस मॉनसून में वो जो बाढ़ आ गई थी बॉम्बे में वो था
और मैं तकरीबन 9 किलोमीटर उस पानी में मैं चल के गई थी शूट से, और आसपास मेरे साथ में जो लोग चल रहे थे हाथ पकड़ पकड़ के हम लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो उनसे मैंने पूछा क्या ये अक्सर बॉम्बे में ऐसा होता है क्योंकि मैं नई थी। सो वो जो मानसून था मेरे लिए एक किस्म का थोड़ा सा भयावह रूप मानसून का मैंने देखा है, और मेरी यही प्रार्थना है कि वैसा मानसून हम बॉम्बे वासी फिर से कभी ना देखें। याद तो हर मानसून की अपनी एक याद होती है, बहुत प्यारा मौसम है ये, और अनफॉर्चुनेटली अब तक ये मुंबई में शुरू नहीं हुआ मानसून। हाँ शुरू नहीं हुआ है, वही कह नहीं रहा है, तो इंतजार है उसका, और बहुत ही अच्छा है, लेकिन कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता, बिकॉज कभी कभी हमें कीचड़ में जाना पड़ता है, तो वही सबसे खराब बात है। सिंगर्स नहीं है आप कुछ आई एम सपोज टू सिंग रेन इज फॉलिंग छमा छम छम लड़की ने आंख हमारी गिर गए टन टना टन टन टन। एकदम अनोखे गाने के साथ आए हैं, जो कि मैं आपको चैलेंज करती हूँ कोई और आपको ये गाना नहीं गा के सुनाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सबका कहते हैं मैं सब लौट आओ आजा बेटा हो गया ओके 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 I think what really geared me was the script. It's a very, very different show, a very intriguing show. Complexities of relationships aur ek bilkul hi alag kisam ka show hai, and that's what attracted me to this. किस तरह का शो? It's an extremely bold show, something that you have never seen before. And I think एक बार आप देखें तो आप छोड़ेंगे नहीं ये शो। लॉट्स टू आपके किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको? माय नेम इज अमृता स्वाइका, अ बिजनेस टाइकून्स वाइफ। दिस इज माय हस्बैंड मिस्टर स्वाइका। नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू से मिस्टर स्वाइका? वेल जनरली तो बता ही दिया कि इट्स अ वेरी अनयूजुअल शो फॉर इंडियन टेलीविजन। काफ़ी डिफरेंट स्टोरी लाइन है जहाँ पे वी आर गोइंग टूवर्ड्स मोर ऑफ द
darker side, the more bolder side of relationships, jo generally jis bare mein koi baat nahi karna chahta but jo exist karte hain. So it is going to be a very different show. Abhi aap live ho ke now show award mein hain, to kis tarah se ye award aapke liye special hai? लाइव हो गए में एंट्री है हमारी इस शो से, सो इट विल बी स्पेशल एंड आई थिंक लॉन्च हो रहे हैं इससे. यस, इसीलिए बहुत स्पेशल है. वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन विद रॉकेट. वी होप टू टेक दिस चैनल टू ग्रेटर हाइट. यस, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे. अब उम्मीद करते हैं कि आपका शो बहुत बड़ा हिट हो. मॉनसून ने दस्तक की दी है और मॉनसून में आपका शो भी आ रहा है, तो मॉनसून से जुड़ी कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहेंगे. कुर्सी दे दो भाई, आराम से बैठे बताएंगे. मॉनसून के साथ तो बहुत याद है, खड़े होंगे थक जाएंगे. मॉनसून जैसे ही शुरू होता है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े की मांग होती है. हमारे प्रोड्यूसर साहिबा, सुन रहे हो आप? मॉनसून इज कमिंग एंड वी नीड पकौड़े, वी नीड चाय, वी नीड भुट्टा, वी नीड भुट्टा, वी नीड खंडाला. क्या चाहिए? भुट्टे चाहिए, मिल गए. गरम चाय सेंटर के और सेट के अंदर चाहिए. चलो दिए नहीं. जाने से पहले अगर मॉनसून को कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे, आपको कौन सा गाना? मॉनसून का एक गाना लौट आना मॉनसून. देखो बारिश हो रही है. नॉट दैट, एक्सेप्ट दैट. भीगी रातों में मीठी बातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, ऐसा लगता है तुम बनके बादल. इतने इससे ज्यादा गाएंगे तो सब बंद कर देंगे यार हमारे मुंह पे. यार ये तो शो था. थैंक यू. जय. आई डिडंट नो यू कैन सिंग. मैम ने एंट्री हमारी